नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम SSC CGL 3 मार्च को पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और ये वीडियो दोबारा से CGL के अंदर पूछे जा सकते हैं 2023 की एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तड़कता भड़कता आपके सामने है। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली recreated after a user has deleted them, these are called as cookie. वो cookie आपको बतानी है जो यूजर के द्वारा डिलीट कर दी जाती हैं, लेकिन दोबारा से ऑटोमेटिकली वो रिक्रिएट हो जाती हैं। उन cookies को आपको बताना है कौन सी cookies रहेंगी। तो उन cookie को यहाँ पर बोलते हैं zombie cookie। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, कुछ मालवेयर्स होते हैं जो cookie की तरह ही एक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन कुकीज़ को क्या बोलेंगे, सुपर कुकीज़। और ये एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट यहाँ बोल रखा है जोम्बी कुकी। तो ये कुकी डिलीट करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिक्रिएट हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड पार्टी कुकीज़। तो थर्ड पार्टी कुकीज़ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए लड़कियों की पहली पसंद मीशो, क्योंकि यहीं पर उनको सस्ता और टिकाऊ सामान मिलता है। अब आपने मीशो एप्लीकेशन से कुछ परचेज किया या आपने विजिट किया था मीशो पर, लेकिन अब आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जब विजिट करोगे तो आपको मीशो के एड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलेंगे हम, थर्ड पार्टी कुकीज। ये आपका डेटा शेयर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए थर्ड पार्टी कुकीज क्या रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज आल्सो नोन एज VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो काफ़ी आसान यहाँ पर सवाल पूछा गया था। मॉनिटर को क्या बोलते हैं हम, VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। वेब ब्राउजर के अंदर इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, तो ये होता है आपका रेंडरिंग इंजन। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। एग्जामिनर दोबारा से कुछ पूछ सकता है रेंडरिंग इंजन को किस नाम से जानते हैं, तो रेंडरिंग इंजन को ब्राउजर इंजन भी कहा जाता है और लेआउट इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ भाई ब्राउजर इंजन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो ब्राउजर इंजन का एग्जाम्पल रहेगा ब्लिंक, जिककू, एज, HTML, ये सारे आपके लेआउट इंजन के एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है रेंडरिंग इंजन को ब्राउजर इंजन और लेआउट इंजन कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लिंक, जिककू और एच HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट, इनमें से कौन सी पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट कहा जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, SCSI पोर्ट। पैरेलल पोर्ट, इसके अंदर आपको 8 बिट्स ऑफ बाइट डाटा ट्रांसफर देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रिंटर्स के अंदर यूज में लाया जाता है, और ये यूज में लाया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रांसमिशन को यहाँ पर कैरी करने के लिए। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। डाटा लाइंस की फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वायरसेस आर एम्बेडेड इन सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। इनमें से आपको बताना है कौन से वायरस सिस्टम की मेमोरी के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं और ओरिजिनल वायरस को जैसे हम डिलीट करते हैं तो ये दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये वायरस होते हैं आपके रेजिडेंट वायरस। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ये सेव कर लेते हैं खुद को मेमोरी के अंदर, सेव इटसेल्फ इन द मेमोरी और इन्फेक्ट करते हैं अदर फाइल्स और प्रोग्राम्स को, इन्फेक्ट द अदर फाइल्स एंड
प्रोग्राम। नेक्स्ट एक टाइप और काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो ये आपके सिस्टम के अंदर स्पैम और इन्फेक्टेड वेबसाइट के थ्रू एंटर करते हैं, एंटर थ्रू स्पैम और इन्फेक्टेड वेबसाइट। एंटर करने के बाद जो प्रोग्राम आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है उनको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। और इनको डिफिकल्ट करना काफी, उनको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट यहां पर एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इजी क्वेश्चन है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेंगी। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है इट इज बैकअप मेमोरी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रखा है डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे हम पावर को स्विच ऑफ करते हैं यहाँ पर डाटा यहाँ पर परमानेंटली स्टोर रहता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोल रहा है कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, तो ये भी बिल्कुल सही है, सेकेंडरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर चल सकता है। और यहाँ पर फोर्थ दे रखा है इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस, ऑल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइस और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि नॉन वोलेटाइल होती है। एग्जांपल इसके अंदर देखें तो एसएसडी, सीडी, डीवीडी मेमोरी कार्ड और एसएसडी, ठीक है, ये सारे यहाँ पर एग्जांपल रहेंगे। पेन ड्राइव हो गया आपका, एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, टेप ड्राइव हो गया और एसएसडी, ठीक है। पहले एसएसडी यानी कि हार्ड डिस्क आपके पीसी के अंदर यूज में लाई जाती थी सिस्टम के अंदर, लेकिन अब कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट बनाने के लिए अब एसएसडीज का यूज होने लग गया है, ठीक। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम की बात करें तो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, जैसे हम पावर ऑफ करते हैं डाटा यहाँ से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। रोम की बात करें तो नॉन वोलेटाइल यहाँ पर मेमोरी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मेमोरी इज समटाइम्स यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट द रैपिड रेट। इनमें से कौन सी मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए यूज में लाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी मेमोरी रहेगी, कैश मेमोरी, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। पहले भी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन एमएस वर्ड 2010 इज या आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट रहेगी ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडो, रीडो बटन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है बाई डिफॉल्ट कट, अंडो, रीडो बटन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ जाना था पी और क्यू के अंदर एक स्टेटमेंट यहाँ तो यहाँ पर इनकरेक्ट रहेगी, ठीक है, तो इसमें से एक चूज कर सकते थे आप। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रखा है यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप मोर बटन्स यानी कि और बटन्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये मैंने आपको डिट्टो क्वेश्चन जब एसएससी सीजीएल वाली सीरीज करवाई थी तब डिट्टो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और बटन्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेल टूल बार फॉर शो बिलो द रिबन। यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर देखने को मिलता है, ये बोल रहा है शो बिलो द रिबन, रिबन के नीचे देखने को मिलेगा। तो चलिए देख ही लेते हैं इसको, काफ़ी यहाँ पर इसने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया। चलिए ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, क्विक एक्सेस टूल बार रिबन से ऊपर देखने को मिला, ये आपका रिबन है, रिबन से ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेंगे, सेव, अंडो और रीडो, ठीक। अब आप यहाँ से मोर कमांड्स भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बेसिकली आपको मोर कमांड्स पर यहाँ पर क्लिक करना है
जो जो कमांड आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो यहाँ से आपको क्लिक करना है और ऐड कर देना है, वो कमांड आपके क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर चली जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा भाई? केवल यहाँ पर क्यू और एस, यही है ना, कट अंडो रीडो बाय डिफॉल्ट रहता ना, देख लेते हैं एक बार। सेव अंडो रीडो, हाँ इनकरेक्ट बोल रखा है ना भाई, इनकरेक्ट बोल रखा है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट रहेंगी? क्यू और एस, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ओल्डेस्ट टाइप रहेगी, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिंगल कोर सीपीयू यहां पर यूज किए गए थे। एग्जांपल की बात करें इंटेल 8080, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है इंटेल 8080 में कौन सा सीपीयू यहां पर यूज किया गया था, तो ये था सिंगल कोर। सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन के अंदर भी सिंगल कोर, थर्ड और फोर्थ तक यहां पर सिंगल कोर यहां पर सीपीयू का यूज किया गया था, लेकिन फिफ्थ जनरेशन के अंदर मल्टी कोर सीपीयू का यूज किया जाता है, ये आपको याद करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओल्डेस्ट यहां पर सीपीयू कौन सा रहेगा? सिंगल कोर यहां पर रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन अवेलेबल इन MS Excel 365 के अंदर मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन आपको बताना है। तो ये हमने जब आपके एग्जाम चले तब भी आपको बताया था, एब्स फंक्शन जो रहता है काफी बार एग्जाम के अंदर डिट्टो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा और कोई डालता ही नहीं है वो ऑप्शन के अंदर। तो मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन कौन सा रहता है? एब्स आपका रहेगा। चलिए और देखते हैं और कौन कौन से मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज के अंदर क्लिक करना है, फॉर्मूलाज के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ऊपर आपको एप्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, चार पांच आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद होने चाहिए। बेस फंक्शन एक आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फैक्ट फंक्शन आपको एक याद होना चाहिए, इवन आपको याद होना चाहिए, और कौन कौन से हैं, मोड आपको याद होना चाहिए, ये सारे आपके मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन है। रैंड आपको याद होना चाहिए, राउंड अप आपको याद होना चाहिए, SIN साइन ये आपको याद होना चाहिए, सम याद होना चाहिए, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम स्क्वेयर, सम वाइज, जितने फंक्शन आपके मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन है, ट्रंस आपको याद होना चाहिए। तो एब्स फंक्शन आपको सबसे ऊपर देखने को यहाँ पर मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये शिफ्ट इतनी हार्ड नहीं थी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, इनमें से कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था? तो हलवा सवाल है, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स का यहाँ पर यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन की बात करें तो ICs का यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो VLSI फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ की बात करें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यहाँ पर यूज किया गया था। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। फीचर्स भी आपको याद होने चाहिए, पूछ लेता सेकेंड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर आए थे उनके अंदर कौन कौन से फीचर थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है TCS के द्वारा, ठीक है। तो लेस पावर कंजम्पशन था यहाँ पर और स्मॉल साइज के कंप्यूटर थे, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको याद होने चाहिए, जो हम डिटेल के अंदर 2023 के को फोकस में रखते हुए CGL का कंप्यूटर आपका स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर डिटेल के अंदर इन बातों पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल, जीमेल के अंदर आपको कोई न्यू ईमेल सेंड करना है तो क्या करते हो? तो यहाँ पर आपको कंपोज देखने को मिलता है, कंपोज करके आप न्यू ईमेल को सेंड यहाँ पर कर सकते हो। हलवा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेल इन वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाई, वर्कशीट के अंदर कोई भी सेल को किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है? तो ये होता है सेल रेफरेंस, ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेल रेफरेंस बोल लो या सेल एड्रेस बोल लो, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इज ए टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स लोकल एरिया नेटवर्क लैन यूजर्स विद सेंट्रलाइज्ड
सेंट्रलाइज कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू ए स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको बताना था। तो नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पर ना तो SSD है, ना USB हार्ड ड्राइव्स है, ना USB स्टिक्स है। तो NAS का यहाँ पर यूज किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? NAS नेटवर्क पर देखने को मिलता है, जब मल्टीपल यूजर्स को यहाँ पर डेटा शेयर करना रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस वाली कंडीशन के अंदर हम NAS का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा था, राइट विंडो विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड एज नेविगेशन पेन। राइट विंडोज होती है विंडो एक्सप्लोरर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन पेन। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो लेफ्ट विंडो को क्या बोला जाता है, नेविगेशन पेन। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल्स फोल्डर स्ट्रक्चर्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, नेविगेशन पेन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइल्स और फोल्डर को इजीली यहां पर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है, नेविगेशन पेन धीरे धीरे क्विक एक्सेस एरिया, क्विक एक्सेस एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इनेबल करता है इजियर नेविगेशन थ्रू द विंडो एक्सप्लोरर। नेविगेशन पेन का यूज क्या होता है, ईजिली आप हर एक फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए देख ही लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर व्यू पर आप क्लिक करोगे, व्यू पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नेविगेशन पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ पर आप ईजिली यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हुआ। वंस हैज इन्फेक्टेड ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट जनरेट्स रेवेन्यू आइदर बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट और यूजिंग पे पर क्लिक मैकेनिज्म टू चार्ज इट क्लाइंट्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन देयर डिस्प्ले एड। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहां पर आपको डिफरेंट एड्स देखने को मिलती हैं। जब आप उन एड्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेवेन्यू जनरेट होकर वो किसके पास जाता है, जो इनका डेवलपर होता है। तो ये क्या होता है, एडवेयर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार ही रेवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। करंट वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? तो ये रहेगी आपकी Ctrl+T। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। Ctrl+N की बात करें तो न्यू टैब को ओपन करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोल कन्वर्टर, इनमें से किसको प्रोटोल कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये रहेगा आपका गेटवे। ऑप्शन 4 आपका राइट रहेगा। दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है, और इसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी कहते हैं नेटवर्क का, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ब्रिज आया है एक टर्म यहाँ पर, एक आया है हब, एक आया है हब, एक आया है ब्रिज। तो ब्रिज की बात करें तो ये नेटवर्क फिल्टर नहीं करता है भाई। ठीक है, फिल्ट्रेशन नहीं करेगा ये। फिल्ट्रेशन करने का काम आपका स्विच का होता है, और ये कहाँ पर वर्क करता है, फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। और ये क्या नेक्स्ट है, डेटा पैकेट्स क्या करता है, सेंड करने का काम करता है नेटवर्क पर। क्या करेगा, सेंड करने का काम करेगा। ब्रिज की बात करें तो दो लैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आर द रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल इन टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। सेट ऑफ रूल्स जो आपके टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यूज में लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। ये भी मैं आपको जब SSC सीजन वाली सीरीज चली थी तो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट बताया था, विच ऑन द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स इन द नेटवर्क कनेक्शन। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन आपके छपे हैं, तो इजी शिफ्ट थी, कोई हार्ड नहीं थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड 2010। इनमें से कौन सी
फॉन्ट इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो सुपर स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप और डबल स्ट्राइक थ्रू, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। इक्वलाइज करेक्टर हाइट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसको, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पर जब आप फोन डायलॉग बॉक्स के अंदर जाते हो तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हो, यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ये चेंज केस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है उसको यहाँ से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। और है यहाँ पर इफेक्ट्स, आप देख लो, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन, ये सारे फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वलाइज करेक्टर हाइट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज वाली ये शिफ्ट हमारी 3 मार्च की यहाँ पर ही कंप्लीट होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी ही आपके लिए हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, TCS के 2500 MCQs की बेस्ट कॉम्पाइलेशन आपको देखने को मिलेगा इस YouTube पर, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।